ऑल इज वेल, चिंता मत करिए। यह सवाल भी है और जवाब भी। जवाब है नीतीश कुमार का, जब इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर, लेकिन बिहार के ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब सवाल यह भी हुआ कि पटना के फुलवारी शरीफ में महादलित समाज की दो बच्चियों को अगवा करके, रेप करके एक को मार दिया गया, तो क्या कहेंगे मुख्यमंत्री? सवाल अनसुना कर गए। इसीलिए आज आपको आवाज बुलंद करनी है और पूछना है कि क्या सुशासन राज में ऑल इज वेल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। एक परिवार है जिनका चेहरा भी हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन सुना सकते हैं वो चीख जो अपनी दो बच्चियों के साथ नृशंस अपराध के बाद सुनाई देती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो सीटों के बंटवारे पर ऑल इज वेल बोलते हैं, लेकिन पटना के फुलवारी शरीफ में दो बच्चियों से रेप के बाद उठते सवालों पर जवाब देना मुनासिब नहीं समझते। मुख्यमंत्री जिस सवाल को अनसुना करते हैं, वो सवाल है कि आखिर कहां है बिहार की पुलिस के दम पर जनता के भीतर अपराध से मुक्ति वाले सुशासन का दावा, जिससे पटना के फुलवारी शरीफ में अपराधी खौफ नहीं खाते और महादलित परिवार की दो बच्चियों को किडनैप करके रेप करते हैं। आरोप है कि गैंगरेप कर दिया जाता है। अब इन्हें देखिए, यह है बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव, जो अपराध को कारनामा बताते हुए कार्रवाई की बात कहते हैं। अपराधियों की करतूत जब कारनामा लगने लगे, तब समझ आ जाता है कि संजीदगी और संवेदनशीलता कितनी है। जहां पटना के फुलवारी शरीफ में महादलित परिवार की बच्चियों का पहले 9 तारीख को अपहरण हुआ, फिर अपराध हुआ, रेप करते हैं, एक बच्ची को मार देते हैं, दूसरी बच्ची गंभीर हालत में मिलती है, परिवार अपनी बेटियों से हुई बेरहमी के बाद चीखता है कि न्याय दो, दावा है 2 दिन बाद भी आरोपियों की गर्दन तक पटना पुलिस के हाथ नहीं पहुंच पाए, गुस्साए लोग रास्ता जाम करते हैं, पथराव करते हैं, अब सियासत होती है। वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। उम्मीद है हमारी रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। आपसे भी उम्मीद है, आप ये वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में जाकर बेबाकी से पूछेंगे कि पटना के फुलवारी शरीफ में महादलित परिवार की दो बच्चियों के रेप करके एक को मार दिया जाता है और वहीं के मंत्री तेज प्रताप को यह नृशंस अपराध कारनामा लगने लगे, तो आखिर क्या किया जाए? सवाल है कि बिहार के मुख्यमंत्री जब ऑल इज वेल बोलकर दावा करते हैं सब कुछ ठीक है, तो फिर ऐसे गंभीर मामलों में चुप्पी क्यों साध लेते हैं? उम्मीद है आप इस बेहद गंभीर मुद्दे पर अपनी निर्भीक आवाज बुलंद करेंगे। नमस्कार।